जय हिंद साथियों, आज हम लोग हैं राज्य स्तरीय गणित विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में जो कि देवास में लगा हुआ है और यहाँ हाउस क्लीनिंग मिनी बोर्ड इस छोटे से नन्हे से बालक ने बनाया है। कक्षा दसवीं का अच्छा क्लास टेंथ का छात्र है। इस मिनी रोबोट में बहुत सारे फीचर्स हैं और ये सब कुछ इसने बनाया है। देखिए किस तरीके से आगे इसके फीचर्स के बारे में, इसके अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। मेरा नाम लक्की पटेल है, मैं शासकीय स्कूल उलार कटरा जिले से आया हूँ। मैं कक्षा दसवीं का छात्र हूँ। मैंने बनाया है एक हाउस क्लीनर मिनी रोबोट। ये कुछ इस तरीके से झाड़ू लगाता है और ये कुछ इस तरीके से मूविंग करता है। सर, ये झाड़ू लगाने के बाद जब एक सभी जगह पर एक जगह मतलब एक जगह कचरा इकट्ठा कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने वैक्यूम क्लीनर को कमांड दे देता है और ये वैक्यूम क्लीनर कचरे को एकत्रित करने लग जाती है। कुछ इस तरीके से देखिए कचरे को उठा रही है और यहाँ पर टैंक लगा रहता है जिससे कि ये कचरा यहाँ पर टैंक में डाल देती है और ये जब कचरा इकट्ठा करके वैक्यूम क्लीनर उसको टैंक में डाल लेता है तो फिर हमारा रोबोट कुछ इस तरीके से पूरे कमरे में गोल अपनी गर्दन घुमा के देखता है कि कहाँ पे कचरा बाकी है और फिर वापस वहाँ पे जाके हमारे वैक्यूम क्लीनर को कमांड देता है कि भाई ये कचरा बाकी है तो ये उसको वैक्यूम क्लीनर फिर से उसको एकत्र करता है। कुछ इस तरीके से देखिए इस तरीके से फिर से वैक्यूम क्लीनर उस बचे हुए कचरे को टैंक में डाल देता है और फिर हमारे रोबोट में एक और फ्यूचर मिला है। हमारे रोबोट में टॉर्च है। इस तरीके से टॉर्च चलती है। अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम इसका टॉर्च का उपयोग भी कर सकते हैं और हमारे रोबोट में एक हमारा लोगो है जो कि एल है और हमारे रोबोट में बहुत सारे फिटनेस है। ये झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा भी लगा सकता है। ये 2-in-1 में वर्किंग करता है। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि झाड़ू लगाने के काम आता है। ऐसे के ऐसे ही एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जो पोछा लगाने के काम में आता है जिसमें हम जिस प्रकार के लिक्विड से भी पोछा लगाना चाहते हैं उसको डालकर उसे वापस फिट कर देंगे और हमारा ऑटोमेटिकली रोबोट का स्विच ऑन कर देंगे जिससे हमारा रोबोट फिर से ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा और पोछा लगाने लग जाएगा। पोछा लगाने के बाद में वो फिर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हम देखते हैं कि आजकल अगर हमारे घर में सुबह से मेहमान आ जाते हैं या किसी भी कारणवश अगर हमको जल्दी हो पोछा लगाने के लिए झाड़ू लगाने के लिए तो हमें एक मजदूर की जरूरत पड़ती है और मजदूर सामान्य सी बात है कि कोई ना कोई लेबर हमको कम से कम 9 या 10 बजे मिलेगा। अगर हमारे पास ये होगा तो हम किसी भी वक्त से वर्क करा सकते हैं और ये झाड़ू पोछा और हमारा पेन का काम भी कर सकता है और अगर लाइट जाने पर ये टॉर्च का काम भी कर देता है और अगर लाइट जाती है और अगर आपको गर्मी लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस हैंड को कुछ इस तरीके से क्लिप की मदद से निकाल देना है और इस तरीके से कुछ फैन इसको ऐड कर देना है। ये हमारा ऐड हो चुका है सर फैन और ये देखिए फैन स्टार्ट हो गया सर और ये बढ़िया हवा भी देता है। अब ये फैन आपने हवा ले ली और आपने इसका आनंद भी उठा लिया है। अब फिर ये रोबोट उसका काम करने लग गया है। तो दोस्तों देखिए हमको इसमें फीचर और मिलते हैं कि इसमें हमारे एक पावर बैंक का काम भी करता है। अगर हम सामान्य से बात करें अगर बाजार में पावर बैंक लेने जाते हैं तो 1500-1700-1800 रुपये का मिलता है और हमारे 250 रुपये के रोबोट में ये पावर बैंक की भी मिल जाता है। टेस्टिंग के लिए मैं एक बजर को चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये पिन बिठाते ही ये बजर बजने लग गया है और वैक्यूम क्लीनर तो आपको दिखाई दिया मैंने दोस्तों। वैक्यूम क्लीनर की मदद से ये टैंक कचरा इकट्ठा करके टैंक में डालता है फ्यूज। और दोस्तों ये 250 रुपये में बन के तैयार है और ये फुल्ली प्लास्टिक कोट में मिलता है जिसके गिरने से भी ये टूटता नहीं है। और अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे बच्चों को आजकल रिमोट कंट्रोल खिलौने लगते हैं और रिमोट कंट्रोल खिलौने लेने की जिद करते हैं तो सामान्य सी बात है कि रिमोट कंट्रोल खिलौने कम से कम 1500-1600-1700 रुपये के आते हैं। तो एक हमारे 250 के रोबोट में इतने फीचर है कि हम इसका बच्चों के लिए खिलौने का उपयोग भी कर सकते हैं। एक 200-300 रुपये प्रतिदिन के मतलब मजदूर के पोछा लगाने वाले मजदूर का भी काम इससे करवा सकते हैं और झाड़ू लगवा सकते हैं और सामान्य सी बात है इसमें टॉर्च भी दी है। टॉर्च अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो ये कम से कम 200-300-500 रुपये तक की मिलती है सर और ये इसमें पावर बैंक भी मिल गया है एलडीआर सेंसर। देखिए दोस्तों हमारे रोबोट में एक ऑटोमेटिकली एलडीआर सेंसर लगा है जो कि अंधेरा होने पर ऑटोमेटिकली
चालू हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली अंधेरा होने पर चालू हो जाता है। यहाँ पर एलईडी सेंसर लगा है, उसमें जैसे अंधेरा जाता है कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है हमारा लाइट। तो ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन होने से हमारा पीआईआर सेंसर जो हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये पीआईआर सेंसर होता है जिससे कि आगे आने वाली दीवार या वस्तु किसी भी चीज को ये डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि रोबोट को उसको पलटने का डायरेक्शन देता है और रोबोट हमारा पलट जाता है, जिससे कि हमारे ना तो रोबोट का नुकसान होता है ना हमारा होता है। फिर फ्यूज, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इसको लिया तो उसके 200-250 रुपए भी नुकसान नहीं होने चाहिए, थोड़े से भी नुकसान पैसे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने इस समस्या को देखते हुए इसमें फ्यूज लगाया है। जैसे अगर कुछ इसमें दिक्कत आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज हमारा उड़ जाता है, और ये फ्यूज हमारा किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। ये फ्यूज दोस्तों केवल 2-3 रुपए का होता है, और ये रोबोट लेने पर इसके साथ 2 या 3 फ्यूज इसके साथ दिए जाएंगे। और दोस्तों हमने जीपीएस सिस्टम, अगर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये रोबोट उसका टैंक खुद खाली करने जाए, समस्या भी हमको नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें आने वाले भविष्य में इसमें जीपीएस सिस्टम लगाएंगे, जिससे रोबोट अपना टोटली काम उससे जीपीएस सिस्टम से जाकर डस्टबिन में जाकर उसका कचरा डाल देगा ऑटोमेटिकली। और टॉयज, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हमारे बच्चे रिमोट कंट्रोल खिलौने मांगते हैं तो हम इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल खिलौनों के लिए भी कर सकते हैं, और ये फुल्ली प्लास्टिक बॉडी एंड वाटर प्रूफ है। देखिए दोस्तों, कुछ कम पैसों में भी इस तरीके की चीजें मिल सकती है, और हमने इसका मेन उद्देश्य है कि ये आम आदमी तक पहुंच सके कम से कम रुपए में। हम देखते हैं कि बाजारों में कम से कम रोबोट लेने जाते हैं तो कम से कम 8 या 7 लाख रुपए का मिलता है, और आम आदमी के लिए एक सपना बन के रह जाता है। इसी समस्या को देखते हुए हमने एक रोबोट बनाया है कि उसके भी ये काम में आए और आम आदमी की पहुंच में रहे, और इसीलिए हमने इसमें इतने सारे फ्यूचर।